पेन, पेपर और पेन ले ली। हाँ चलिए ले लिया, लेके बैठ गया। आज हम लोग ना सर थोड़ा सा कैंडल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक। कैंडल का फॉर्मेशन थोड़ा सा आप ये बेसिक है, एकदम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं समझता हूँ आपको कुछ नहीं आता है। सपोज करो सर, ये जो है ना, ये एक कैंडल बन रहा है यहाँ पे, एक कैंडल ये बन रहा है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड कैंडल, ठीक है। रेड हो गया, ये क्या हो गया, सेलर, सेलर हो गया। सिंपल एक कैंडल मैं यहाँ से लेता हूँ, ग्रीन लेता हूँ, ठीक है, ग्रीन, ये ग्रीन लिया, ये क्या होता है, बायर होता है, ठीक है। और इसको बायर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन, ये बरोबर सर। आप देखो, ये जो कैंडल होता है ना, 50% एक्यूरेसी इस कैंडल का होता है और 50% एक्यूरेसी इस कैंडल का होता है। ये मार्केट को निगेटिव ले जाएगा तो इसको हम लोग माइनस से डाल रहे हैं, ये मार्केट को प्लस ले जाएगा तो इसको हम प्लस से डाल रहे हैं, ऊपर ले जाएगा। जब भी आप इस दोनों को कंबाइन करोगे ना सर, तो कंबाइन करोगे तो इसमें एक इनडिसीजन कैंडल बनेगा इस टाइप का। देखो, 50%, डोजी बोलते हैं हाँ उसको। दो जी, 50% 50% माइनस किए तो कितना बना, जीरो बनना चाहिए, जीरो बनना चाहिए ना, जीरो। आप समझ, सपोज करो, अगर टू पीपल है, मान लो टू पीपल है यहाँ पे, उनका 10 kg है, टोन 10 kg है, और एक रोप मतलब रस्सी को खींच रही है इधर की तरफ, इनका भी क्या है, वेट है 10 kg, ठीक है, 10 kg, ये भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, दोनों का विलिंग पुलिंग पावर क्या हो, इक्वल हो गया यहाँ पे, इक्वल है। तो ये क्या करेगा, ये ना तो ये रस्सी को इधर जाने देगा, ना तो ये इधर जाने, तो ये इक्वल टू जीरो होगा। हम लोग जीरो नहीं दिखाएंगे, हम लोग सिंपल ऐसे चलेंगे, ठीक है सर। मतलब इसको आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डोजी। डोजी का मतलब क्या होता है, अब आपने बोला डोजी, चलो मैं डोजी, मैं तो डोजी उजी कुछ नहीं जानता, बस मैं कैंडल जानता हूँ बस इतना। डोजी इसका मतलब क्या होता है, इनडिसीजन, मतलब मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, बायर है या सेलर है वो भी नहीं पता चल रहा है, डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, नो डायरेक्शन, ये समझ गए हम लोग। अब नेक्स्ट कैंडल जो हम लोग बनाएंगे ना सर, इसी के बेस पे बनाएंगे। अब सपोज करो आप सर, मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया इस टाइप का, मारू बुझ बोलते हैं ना इसको, इसको मारू बुझ बोलते हैं, इस टाइप का बनाया मैंने, ठीक है, छोटा सा बना लिया। एक कैंडल और मैं रेड का यहाँ पे लेता हूँ, अभी आपको पूरा पूरा क्लियर बन जाएगा, अगला कैंडल क्या बनने वाला सारा कुछ बन जाएगा। एक मैंने यहाँ पे रेड लिया, ठीक है सर, ये रेड लिया। आप मुझे बताओ, ये जो विक्स दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये विक्स बोलते हैं, ठीक है ऊपर सर, का नीचे का हाँ शाड़ो। हाँ हाँ ये विक्स बोलते हैं, ये थोड़ा बहुत आपको पता होगा विक्स, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी बोलते हैं। सेम क्या होता है, इसमें भी विक्स, और ये हो गया बॉडी, और ये क्या होगा नीचे, अगर तो विक्स है नहीं तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रखेंगे। देखो सर, जब भी हम लोग इस टाइप को मर्जिंग करें ना, तो इनका पार्ट जो है, जितना ये पार्ट है, जितना ये पार्ट, इनको हम लोग रखेंगे इसके ऊपर, इनको क्या करें, इसके ऊपर सेटल कर बिठा देंगे। तो जब भी मैं इसको ऊपर सेटिंग करूंगा, तो बताओ इस टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा, थोड़ी एक मिनट, इस टाइप का कैंडल थोड़ा सा बनेगा, इसको मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, बाद में कलर भी एक ही कैंडल कलर से काम करेंगे, थोड़ा समझ में आ जाए तो आपको। अब मैंने इसको बैठाया इसके ऊपर, ठीक है, इसको बैठा दिया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसको ये पूरा बैठा दिया इस टाइप का, इस टाइप को बैठा दिया यहाँ पे, इसका ये विक्स निकला हुआ थोड़ा सा। आप मुझे बताओ, मैं बोलूंगा कि सर ये जो पार्ट है, इतना पार्ट इसका बच गया, ये वाला पार्ट, इसको मैंने देखो, इसको ये वाला पार्ट इसके ऊपर रखा ना, तो ये यहाँ तक कवर किया, यहीं तक कवर किया ये, और ये वाला यहाँ तक जो है ना, ये पूरा इधर यहाँ तक कवर कर लिया इसको, और यहाँ से क्या हुआ, ये इतना पार्ट को ये खा गया, और ये छोटा सा पार्ट क्या हुआ, बच गया। बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ आप मुझे, बचेगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बाकी तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तो जीरो हो गया, पता है ना आपको, प्लस माइनस होके, और बाद बाकी जो रेड वाला है, रेड वाला का ये थोड़ा ज्यादा है ना, तो ये वाला कैसा बनेगा, रेड वाला नीचे हैमर टाइप का बन जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ये देखो, अब यहाँ का जो पार्ट है ना सर, यहाँ वाला पार्ट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ सर, ये आपको समझ में आया। जैसे मैंने क्या किया ना, इस टाइप का एक कैंडल लिया, ये लिया कौन सा, सपोज करो ये वाला मैंने ले लिया रेड वाला, ठीक है सर, रेड, और एक ठीक मैंने है। ये ले लिया ग्रीन वाला, यहाँ से ले लिया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ग्रीन ले लिया,
ग्रीन ले लिया, ठीक है। मैं इसको इसके ऊपर रख दिया, ये कौन सा है, ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन मानना सर इसको, इसको अब इसके ऊपर इसको मैं रख दूंगा, इसके ऊपर आप रखोगे तो क्या इस टाइप का नहीं दिखेगा ये, इस टाइप को मैंने इसको रख दिया यहाँ पे। तो चलो ये तो इतना हो गया, अब ये कवर हो गया इसका, इसका इतना, क्योंकि पूरा तो कवर नहीं कर पाएगा ना, ये क्या है थोड़ा सा विक्स भी निकल चुका है इसका, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं बड़ा ओ है, बड़ा है, तो ये यहाँ तक पूरा ऊपर है, कवर। ऊपर विक्स ऊपर चल रहा, ऊपर चल रहा। हाँ तो देखो इसका विक्स इसके ऊपर रख दो, इसको यहाँ तक क्या करो, इसको यहाँ तक रखो, ऐसे रख दोगे, थोड़ा सा छोटा बड़ा है क्योंकि पेंसिल से लिखने में दिक्कत हो रही, तो ये छोटा सा पार्ट है ना ये बच जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे नहीं लिख सकते, छोटा सा पार्ट को, ये वाला छोटा पार्ट को ऐसे बना दिया, इसको हैमर बोलेंगे क्या बोले, इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, बताओ आप। इन्वर्टेड हमारे बोलते सर। हाँ इन्वर्टेड हैमर। अब आप मुझे बताना, सपोज को देखो अब मार्केट में, अब ये तो मैंने थोड़ा बेसिक बताया, अभी अब क्लियर चलते हैं। देखो मार्केट में दो तरह कैंडल होती है, ठीक है सर, एक ग्रीन होती है और एक रेड होती है, पता है ना ग्रीन और रेड। जैसे सपोज कर इस टाइप का ये ग्रीन बन रहा है, ये मैंने एक विक्स बना दिया, ये तो मैं बताया नहीं थोड़ा सा, और एक ये हो गया रेड हो गया, ठीक है सर, यहाँ से रेड हो गया, ये मार्केट में क्या होगा, अप ट्रेंड होगा, तो मार्केट में क्या होगा, ये कैंडल बनेगा, ये क्या होगा, अप ट्रेंड, और ये समझ लो डाउन ट्रेंड बन रहा है, तो मार्केट क्या होगा, डाउन, नीचे हाँ डाउन ट्रेंड। लॉन्टर। अब मार्केट जब भी ओपन ओपन होगा ना, ओपन होगा ऊपर की तरफ, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग उसको ओपनिंग बोलेंगे, ओपनिंग, ठीक है सर। और ये बॉडी वॉडी को अभी रिफर करेंगे, बॉडी है, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ क्लोजिंग बोलेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हाँ क्लोजिंग। देखो लोग कहीं पे, चलिए कहीं पे आपको ये बोलेंगे ना, कहीं यहाँ पे आपको ये क्लोजिंग बोलेंगे हुआ, ना, फिर यहाँ पे यहाँ पे ओपनिंग ओपनिंग हुआ, फिर यहाँ क्लोज, ऐसे नहीं, हम लोग को यहाँ से यहाँ पूरा मानेंगे ओपनिंग, ठीक है सर, यहाँ से यहाँ पूरा वीक्स को क्या करेंगे हम लोग, क्लोजिंग मानेंगे। सिंपल इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये ओपनिंग, क्योंकि ये क्या है, सेलर है, ये ऊपर से ही सेल कर रहा है, सपोर्ट पर से सेल करेगा, और यहाँ पे यहाँ किसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोजिंग बोलेंगे। अच्छा, नीचे से इधर तरफ आए तो अप ट्रेंड में ओपनिंग बोलते हैं, हाँ डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग बोलते हैं। हाँ दो, तो अब समझ में आ गया सर इसको, हाँ समझ में आ गया ना थोड़ा सा ये भी। अब ये ध्यान रखना इसमें क्या होगा, थोड़ा इसमें ये क्या होगा, डाउन ट्रेंड है मार्केट का, ठीक है, ये क्या है, अप ट्रेंड है यहाँ पे, ये सब थोड़ा फोकस करना सर, क्योंकि अभी ना आगे क्लियर हो जाएगा पूरा, ये दो चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ से देखो ये क्या है अप ट्रेंड, और ये क्या है यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ये समझ में आ गया सर। चलो अब ये कैंडल का आपको बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा वीक्स को लेके यहाँ हम लोग ओपनिंग, और उसको यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, क्लोजिंग, फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये अपर सेलर सेलिंग साइड में, इसको बोलेंगे ओपनिंग, और इसको बोलेंगे क्या, क्लोजिंग, ठीक है, इतना ही आपको याद करना है। अब हम लोग कैंडल को ना मर्जिंग बताते हैं आपको, कैंडल को कैसे बनता है, मर्जिंग आपको ये ऑफ द बताओ। कैंडल। हाँ मर्जिंग, मर्ज, आप कैंडल को मर्ज करके तीसरा कैंडल कैसे बनता हो देखेंगे, मर्जिंग ऑफ कैंडल, थोड़ा सा ना ये लिखने में दिक्कत होता है। अब आप मुझे बताओ सर, प्रॉब्लम नहीं। अभी थोड़ा सा ये कैंडल इधर इधर की तरफ विक्स है, और इस कैंडल का ना थोड़ा सा विक्स इधर की तरफ है, ठीक है, ये इधर की तरफ विक्स है, आपको मैंने बोला इस टाइप का है, सपोज करो इस टाइप का, ठीक है, ये दो, इसमें दोनों विक्स है, ये कौन सा है, रेड है, और ये क्या है, ग्रीन है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ इस कैंडल को उठा के इसके ऊपर रखो, तो मैंने इस टाइप का कैंडल बना दिया इस टाइप का, या इसकी कैंडल को इसके ऊपर रख दो, इसे बताइए पावरफुल कौन कैंडल है, हाँ, पावरफुल क्यों नहीं, ये कैंडल समझ, बनता, ऊपर विक्स बनता, नीचे विक्स बनता फिर। हाँ देखो ये वाला कैंडल क्या है, ग्रीन है, और ये वाला क्या है, रेड है, ये सॉरी हाँ ये रेड है, सॉरी ये रेड है, ये रेड है, और ये क्या है, ग्रीन है, इसमें मुझे बताओ हाँ पावरफुल कौन कैंडल है, ये वाला पावरफुल है या ये वाला पावरफुल है, ग्रीन वाला पावरफुल है। राइट, सही बोला आपने आज। अब मैं क्या करूंगा, ग्रीन वाले को पहले यहाँ पे बना रहा हूँ सर, ठीक है, ग्रीन वाले को मैंने यहाँ पे बना लिया, इसके ऊपर इसको रखूंगा, तो इसको रखूंगा ना, तो सर इस टाइप का बनेगा, ये इस टाइप का बनेगा, थोड़ा सा विक्स निकला होगा, देखो इतना ये जितना पार्ट था यहाँ से, ये पार्ट इसका यहाँ तक क्या हुआ, कवर हो गया, यहाँ तक का पार्ट क्या हो गया, कवर हो गया, ये पूरा पार्ट कवर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से तक क्या किया, ये मार्के, ये पूरा कैंडल को खा गया यहाँ से यहाँ तक, इनगल्फ कर लिया, बचा कितना, ये छोटा सा पार्ट बचा, इतना वाला पार्ट, इस पार्ट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता कि नहीं लिख सकता, बताओ, लिख सकता कि नहीं सर,
ये पार्ट तो इन्वर्टेड है, हैमर के जैसे लिख रहे हैं ना सब। हाँ हैमर का कोई कलर का कोई मैटर नहीं, कलर को हम लोग देखो, बस आप ये समझ बताओ इसमें इसने इसको कवर कर दिया तो थोड़ा सा पार्ट नीचे बचेगा कि नहीं बचेगा ये मुझे बताओ। चलो अब आप मुझे बताओ ना हाँ अगला कैंडल क्या बनेगा, आप मुझे बताओगे। सपोज करो ये गिर, ये क्या है, रेड है, ठीक है सर, ये रेड है, रेड है, और इस कैंडल पे मैंने बना दिया ग्रीन, दोनों को ऐड किया, क्या बनेगा थर्ड कैंडल, आप मुझे बताइए। कैंडल बनेगा सर, ये क्या कैंडल बनेगा, ऊपर और नीचे विक्स आएगा। हाँ अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा, ग्रीन और रेड है। देखो आप इस कैंडल पे आप सिंपल क्या करो, इसको इसको मैंने डाल दिया, ठीक है, इस कैंडल पे मैंने इसको उठा कर डाल दिया इस टाइप का, ठीक है सर। तो लेकिन देखो अब ये पार्ट तो यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, ये पार्ट यहाँ खत्म हो गया, लेकिन ये बीच वाला पार्ट क्या होगा, बच जाएगा, तो क्या इस टाइप का नहीं हाँ वो बोल सकता हूँ कि इस टाइप का कैंडल बचेगा। कैंडल तो अब तक कैसा ये सर समझ में आया कुछ कि नहीं, बताइए। ये मैंने क्या किया, इस पार्ट को इस पे रख दिया, इस पार्ट को इस पे रख दिया, तो छोटा सा बीच में तो बचेगा ना सर। हाँ मतलब बीच में तो बचेगा। हाँ अब मैं एक और कैंडल और आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आप मुझे बताओ, इस टाइप का कैंडल मैंने बनाया और ये बनाया कौन सा, ग्रीन। अब मैं बना रहा हूँ रेड, ये रेड बना रहा हूँ, इसको दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा अगला कैंडल। ग्रीन और रेड इस छोटे वाले कैंडल के बड़े वाले पर रखो आप, बड़ा लग गया, ऊपर का विक्स बढ़ता। वाओ वाओ रियली यू कैन बिकम अ रियल ट्रेडर, आई नो दैट। सिंपल सर हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप पर रखा इस पे ये कैंडल, ये वाला किसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ मैंने रख दिया इसका, बना दिया यहाँ पे, इसको इतना खा गया ये, तो सिंपल क्या बनेगा इस टाइप का, नहीं हैमर बनेगा। बताओ क्या ये फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, ये वाला बताओ बताओ सर। ऐसा करके लगा दिए तो हाँ वही तो सर, कहीं तो होता हमार का ही होता। आप मुझे बताओ रेड बनेगा ये ग्रीन बनेगा, ग्रीन की रेड, ग्रीन की रेड, ये क्या बनेगा, ये रेड बनेगा ग्रीन बनेगा, ये दोनों को मर्ज किया तो, ऐड किया तो, ये किसका, ग्रीन ही बनेगा सर। ये नहीं नहीं ग्रीन कैसे, ये तो रेड वाला है ना, रेड वाला का पार्ट है ना ये तो रेड वाला का पार्ट है, ये इसके ऊपर ये ग्रीन वाला, ये है ग्रीन वाला ने इसको खा गया, इतना पार्ट तो इसका खा गया ना, ये इतना पार्ट तो खा गया, तो अच्छा इसका ये उल्टा रखे नहीं साहब, ये ग्रीन का पार्ट ये जो है ना अभी डाले सो, ये उल्टा है हमारे, ये सीधा है हमारे ना। नहीं सर आपने अभी तक नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो कैंडल है ना ये ग्रीन है, अभी तो कलर लेने दो मेरे को, बताओ अब कलर से मैं बताता हूँ। देखो ये मैंने क्या किया यहाँ से, ये ले लिया क्या, ये ग्रीन है, ठीक है, सॉरी ग्रीन, ये तो ग्रीन है, चलो इसको ग्रीन 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 जी बोल लिख दो। हाँ हाँ, अब ये ले लो आप थोड़ा सा, और ये ले लो आपने रेड बना, मान लो सपोज करो इसको मैंने मर्ज किया, ठीक है, ये मर्ज किया रेड, अब इसको इसको चाहे इसके ऊपर रखो चाहे इसके उसके ऊपर रखो, किसी को भी किसी के ऊपर रखोगे ना तो ये तो थोड़ा कम है ना, ये पूरा बॉडी इसका खा पाएगा, ये पूरी बॉडी खा गया, नहीं खा पाएगा ना ये। आप देखो सपोज करो आपने इसके ऊपर रख दिया, ये ग्रीन है, ये रेड है, ग्रीन को रेड में डाले, ठीक हाँ है, इसको मैंने डाल दिया, ग्रीन को रेड में डाले, ठीक ये पूरा खा है, गया, डाल दिए तो ग्रीन बच जाता ना इसमें थोड़ा, और हाँ ये ही बचेगा तो ना, ये रेड पूरा, हाँ हाँ यही बचेगा ना सर, जब तो ये वाला पार्ट रेड बचेगा। स्कैन रेड 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 आता। हाँ सही सही आप समझ गए, आप ये वाला कैंडल यहाँ से बच गया, राइट, क्लियर हो गया सर। अच्छा चलिए अब मैं आपको और मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बताओ ये वाला कैंडल मैंने ऐसे बनाया, ये बड़ा सा विक्स है, ये भी बड़ा विक्स है, ये क्या है, ग्रीन है, ठीक है, और ये मैं रेड बना रहा हूँ, आप बताओ मुझे कौन सा कैंडल बनेगा सर आप। ग्रीन को जाके रेड में डाल दिए, रेड में डाल दे, रेड में इधर विक्स है, विक्स है ना सर, तो डाल दे तो विक्स है तो ग्रीन ही बनता, रेड नहीं बनता। वाह वाह ये वाला बताओ सर, ये आप देखो मैं रख रहा हूँ कैसे रख रहा हूँ, इसको मैंने इस कैंडल पर रख दिया, इस कैंडल को यहाँ रख दिया, इस कैंडल को छोटा सा ले गया इस टाइप का, इसको यहाँ रख दिया, देखो इतना बॉडी को पूरा खा गया बीच वाले को, ये खत्म, रिएक्शंस हो गया, ये खत्म वाला लग गया। तो ये वाला पार्ट बना, एक तो ये बना वाला पार्ट बनेगा और इधर वाला भी तो पार्ट बनेगा, ये
तो ये इसका आंसर है। हाँ तो ये बोथ बनेगा, बोथ बनेगा कि नहीं बनेगा, बोथ हाँ बहुत बन गया। बन गया सर। हाँ चलो आप मगो, अभी टेंशन नहीं लेना, अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना आप, ए टू जेड क्लियर हाँ करोगे प्रैक्टिस ना, करना पड़ेगा। प्रैक्टिस हाँ करना प्रैक्टिस पड़ेगा। करना करना। मैं प्रैक्टिस हाँ हाँ करवाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी आप खुद बताओगे। मैंने ये कैंडल लिया ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन, हाँ इसको फिर मैंने एक लिया रेड, थोड़ा कलर चेंज करके मैं हाँ करा रहा हूँ, तू समझ में आएगा। ये भी मैंने लिया रेड, हाँ अगला अगला कैंडल सेम क्या बने? क्वांटिटी है, हाँ सेम क्वांटिटी, अगला कैंडल क्या बनेगा? ग्रीन प्लस रेड, दो हाँ इंटरलिंक मिल जाते ना सब, हाँ जब सभी हो, दो मिल जाने के ग्रीन आपको कुछ नहीं, इस कैंडल को और इसको उठा के इस पे रखो, तो बताओ क्या बनेगा। बराबर होगा उसका सेम सेम साइज आता है ना सर, उसमें हाँ तो सेम सेम साइज है, हाइट भी सर। तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा बनेगा कि नहीं ठीक है को बनेगा? ऐसा ये इसको हम लोग पिन बार ओ बोलते हैं, पिन ओ बार। आप सर आ देखो टी टी, हाँ इसको पिन बार, इनको पिन बार बोलते हैं। आपको ये भूल जाओ, ये अच्छा क्या है, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों का रिएक्शन जीरो हो गया ना, तो जीरो हो गया तो हम तो और ऐसे रिएक्शन ऐसे तो नहीं बताते ना कैंडल को, या तो ऐसे पूरा पतला सा, ऐसे छोटा सा रखते हैं, पतला इस टाइप का बनता है। ऐसा बनता देखा कि नहीं, क्या हाँ देखा है कैंडल, ये बताओ मुझे, कभी ऐसा कैंडल देखा है कि नहीं देखा आपने? रेयर देखा सब में ठीक। हाँ ये होता है कैंडल, अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला कैंडल। आप बताओ मुझे, ये दोनों को, ये क्या है, रेड है, ये दोनों को मैं मैट ऐड करूंगा तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों को प्लस किया मैंने, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ, ये कंफर्म करो आप। हाँ टी हाँ टी बनेगा, हाँ टी पैटर्न बनेगा, बन जाएगा। हाँ बन बन जाता। चलो ठीक है सर, ओके सर, सही बोल रहे आप, समझ लो आप। चलो आप, अब आपको जवाब देना है, मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है सर। मैंने इस क्वेश्चन, इसको बनाया, इसको ऐड किया, ये बनाया, क्या बनेगा कैंडल? अब कलर मैंने बताया, कलर कोई मैटर नहीं रखता, बस मैं आपको ऐसे बनाने के लिए रेड दे रहा हूँ, आर रेड तो आर बोल के लिख दो, जे रेड ग्रीन बोल के लिख, बस आर जी रेड ग्रीन। बताओ क्या बोलेगा अगला कैंडल, अभी रेड अगला के कैंडल बताओ, ये बनेगा, रेड के ये ऊपर रेड बनेगा। के ऊपर ग्रीन डाल दिए ठीक है। अभी रेड के ऊपर ग्रीन डाल दिए, रेड हो गया, ग्रीन ही बनता सर। ग्रीन बनता है कि रेड बनता है, सही से बताओ। इसमें सर पहले बताओ बॉडी किसकी हाँ है, इसमें तो बॉडी किसकी है बॉडी सर? रेड का ज्यादा है, ग्रीन का कम है, तो तो रेड ग्रीन रेड बनना चाहिए। रेड नहीं बनेगा ना सर, देखो पहले समझो, ग्रीन का बॉडी क्या है, ज्यादा है। मैंने कहा कि ये 100 100 पीस का 100 पार्ट पार्ट है, और ये क्या है, 20 पार्ट है। इसको दोनों को माइनस करोगे तो कौन बनेगा, मुझे बताओ। 100 का 20, हाँ 100 माइनस 20 80, 80 बोलते ग्रेड ही आता ना सब, हाँ तो रेड ही बनेगा ना सर, रेडी तो बनेगा रेडी ना? बोला ना सब। हाँ रेडी, हाँ आपने रेडी बोला था, हाँ रेडी बोला मैं। हाँ तो रेड वाला। इसमें बताओ ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला कौन सा वाला बनेगा? 20% ठीक है बोलिए सब। ये चारों मैंने ऑप्शन दिया है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा? रेड रेड बोला सर, रेड आता, हाँ तो कौन सा कैंडल बनता सर, रेड का कैंडल बनता सर। रेड का? ये सब रेडी है सर, ये रेडी है, रेडी है, ये सब रेडी है, रेड रेड। हाँ ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, इन्वर्टेड हो गया, ये भी नहीं बनेगा, ये दोनों बन सकता है यहाँ पे, ठीक है सर। हाँ बन सकता है ऊपर अभी जाने का। हाँ ओ अब विक्स, हाँ ये विक्स, हाँ विक्स तो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता ना सर थोड़ा, विक्स उसका छोटा है बड़ा है, ये सेकंड कैंडल का ग्रीन का विक्स है इधर, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा उसको ऐड आर हाँ ऐड करे तो बनाओ विक्स सेकंड कैंडल बनना चाहिए, सेकंड कैंडल बनना सर। चाहिए विक्स का मतलब कुछ भी नहीं होता है, विक्स को ना आप इग्नोर करो, विक्स जो है ना, बस। विक्स कुछ नहीं होता है, इस विक्स को समझ जीरो लो जीरो, विक्स का मतलब जीरो। आएगा हाँ विक्स का मतलब कुछ भी नहीं होता है, विक्स आप लिख लो कहीं, विक्स का मतलब कुछ नहीं होता है। अभी आप लिखो विक्स का मतलब, को विक्स का मतलब कुछ नहीं है, जीरो। आप बोले ना सर 20% तक होता बोल के, इसलिए हाँ तो अभी क्या है, मैं बोला। मैं 20% है ना सर, अभी आपको पूरा पता चलेगा, अभी जब क्लियर करेंगे ना, अभी लेके चलो आपको जीरो लेके मान के चलो, विक्स का मतलब कुछ नहीं होता, जीरो मानो, वो आएगा सारा कुछ मैं बताऊंगा अभी मार्केट में। अब देख एक चीज और आपको बता रहा हूँ, आप ये वाला गलती मत करना, ये बताओ, ये प्लस हो गया, अब इस कैंडल को मुझे बताओ सर आप,
ये मैंने बनाया कैंडल, अब बताओ नेक्स्ट कैंडल कितना बनेगा, नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा रेड बनेगा, ग्रीन ही बनेगा। कितना, दो के एक, ये थोड़ा ये दोनों बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों को मैं मर्ज करूंगा तो दोनों मर्ज करे तो ग्रीन ही बनेगा। दो बनेगा कि एक बनेगा, सिंगल बनेगा। देखो सर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को मैं इस पे रखूंगा, ये वाला पार्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये पार्ट इसका खत्म हो जाएगा, इतना इतना खत्म हो जाएगा ये, तो ये वाला पार्ट ऊपर का बना जिसका मैंने ये ड्रॉ किया, और ये वाला पार्ट है इनका पर इसने बनाया, राइट सर, बरोबर सर, क्या फर्स्ट वन फर्स्ट वन फर्स्ट वन आता सर, आप फर्स्ट वन आता। फर्स्ट भी तो बनेगा, दो भी बनेगा ना सर। देखो यहाँ पे क्या है, ये विक्स आगे निकला हुआ है, इसका ऊपर निकला हुआ है, खाली बॉडी बॉडी है ना, तो बॉडी बॉडी खा जाएगा ये बॉडी, ये बॉडी खत्म, ये वाला खत्म, ऊपर का ये बना, ये इतना पार्ट बच गया ऊपर वाला, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला ऊपर वाला ये चला गया इसके ऊपर, तो दो बनेगा ना इसमें। अब चलो मैं, मुझे बताओ तो आप, वैसा हाँ कैंडल अब एक मैं स्टेप, हाँ तो स्टेप क्या कैंडल बताऊँ, से ही मैक्सिमम कैंडल से पता कर लेना सर। इस कैंडल अभी आपको मैं बता रहा, अभी सीखो आप, मैं कह रहा हूँ अभी सीखो, अभी मैं ले जाऊंगा चार्ट पे, भी चार्ट पे बताओगे। ये ग्रीन कैंडल है सर, ये ग्रीन कैंडल, ये सॉरी ये रेड है, रेड रेड है, ठीक है सर, रेड है। अब मुझे बताओ यहाँ पे, चलो यहाँ पे हैमर बना, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्या मैं डालूंगा तो ये वाला हैमर कैंडल बनेगा यहाँ पे, बताओ हैमर डाल दिए इस पे क्या डालूंगा, हैमर रेड, डालता हूँ, और हैमर डाल दे तो रेड ही बनता फिर। नहीं नहीं सर ये रेड है, और ये क्या है यहाँ पे, ये समझ लो आप ग्रीन क्या है लास्ट वाला, कह रहे हैं। इसके हैमर इसको डाल दिए, ठीक है। इसको डाल देने के बाद उसका उसका बॉडी निकाल दिया तो फिर रेड का बड़ा है ना। अब यहाँ पे क्या डालूंगा, हैमर डालूंगा, बताओ मेरे को ऑप्शन वाला बताना कौन सा, ये डालूंगा, ये डालूंगा, ये डालूंगा, ये डालो, कौन सा डालूंगा बताओ, इसके अंदर कौन सा डालूंगा तो ये बनेगा, ये क्या है, ग्रीन है, हाँ हाँ ग्रीन है बताओ कौन सा, इतना, थर्ड कौन सा, ऑप्शन थर्ड है तो फोर्थ आता से। थर्ड एंड फोर्थ, आपने कहा कि इसको इसको मैं डालूंगा, ये तो सर बहुत छोटा है ना, देखो बॉडी कितनी छोटी है, ये तो होगा ही हाँ नहीं, सर इस नीचे, हाँ नीचे नीचे तो नहीं होगा। ये होगा, हाँ ये वाला बताओ, ये नहीं हो सकता था सर, ये बॉडी बॉडी का चले गया, ये नीचे लाइन है वो ऊपर लाइन है ना। लाइन से कुछ नहीं, इसको आप इग्नोर करो, इसको छोड़ दो आप, ये तो मैंने ऐसे बताया कि इस टाइप का यही होगा सर, देखो कैसे, हाँ अब देखो इसको मैंने इस पे डाल दिया इस टाइप का, ठीक है डाल दिया, हाँ देखो अब इसको इसको इसके ऊपर रखो, तो इसको मैंने ऐसे रखा, देखो रख दिया, इतना खा गया खत्म, यहाँ देखो अब यहाँ से मैंने रखा इसको, अब ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ से देखो यहाँ पूरा कलर हो गया, ये पूरा खत्म, तो यही पार्ट बचा ना सर, अच्छा ये ग्रीन है, अच्छा हाँ अच्छा ये फोर वाला होगा, सॉरी हाँ ये वाला, अच्छा एक मिनट हाँ ये वाला, एक मिनट नहीं नहीं ये, हाँ ये नीचे रखो ना, ये इसको नीचे रखना पड़ेगा, सॉरी ये गड़बड़ रखा गया, ये यहाँ से ऐसे रख, ऐसे रखेगा, ऐसे रखेंगे ना इसको, देखो इसको ऐसे रखेंगे कि नहीं रखेंगे बताओ, ये मैंने गड़बड़ यहाँ से गड़बड़ बना दिया, ये वाला उल्टा बना दिया यहाँ से, ये वाला जो है ना ये ऐसा बने, ऐसा बनेगा, ऐसे वाला ऐसे बना, ऐसे बनेगा ऐसा, ठीक है ये देखो, अब क्लियर हो रहा है थोड़ा सा, हाँ ये वाला पार्ट ऐसा ऐसा है ना, ये ऊपर है ना बुक्स, अब इसको मैंने क्या किया इसके ऊपर रख दिया, तो ऊपर वाला पार्ट जो बच जाएगा सर, ये पार्ट बचेगा ना यहाँ से, इतना अधूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसी को पार्ट को हमने यहाँ उठा कर रख दिया, ठीक है आप मेरे को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता, बना रहा हूँ बता रहा हूँ, ये कैंडल मैंने इधर बनाया डैश, और ये कैंडल इस टाइप को बनाया, अब इसमें क्या बनेगा बताओ, ये वाला कैंडल बनेगा, ये वाला बनेगा, कौन सा डालेंगे इसमें, कौन सा कैंडल डालेंगे इसमें, तो ये बनेगा, अब ये सपोज लो ग्रीन ही है, ये भी क्या है, ग्रीन है, ग्रीन है, अब यहाँ पे कौन सा डलेगा, ये डलेगा, ये डलेगा, फर्स्ट वन डालेगा सर।
कौन सा वाला? फर्स्ट वाला ना। वाह सही, आपने सही डाला है। अब इसको मैं डाल दिया और ये दोनों को मर्ज कर दिया, ग्रीन ग्रीन प्लस है, तो फिर क्या हुआ, इस टाइप का बनेगा। देखो इस टाइप का मैंने एक बना दिया ऐसे ऐसे, और इसके ऊपर इसको रख दिया, तो इसको ऐसे रख दिया, तो फिर ऐसे बन गया ये। और देखो पूरा बाद में ये कंप्लीट कैंडल बन गया, देखो यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, फिर बाद में कंप्लीट कैंडल बन गया। देखो अब आप सीख रहा है, पूरा सीख रहा है। आप मुझे बताओ आप सर, इस कैंडल को प्लस इस कैंडल को मैंने मर्ज किया, क्या बनेगा तीसरा कैंडल? कैंडल बनता सर एक ग्रीन इस टाइप का कैंडल बनेगा सर, इस टाइप का बताओ, इस टाइप का बनेगा, थोड़ा सा विक निकला रहेगा। इसको इसको दोनों को मर्ज और थोड़ा करके विक्स। फिर ये बनेगा ना। हाँ हाँ अब देखो इसके मर्ज ऊपर, कर देना। हाँ अब इसको मैंने क्या किया, इस टाइप का बनाया इसको, और इस पे मैंने इसको रख दिया, इसको रख दिया, तो यहाँ से मैंने बॉडी पर रख दिया, इस टाइप का मर्ज कर दिया। देखो मर्ज कर दिया, और ये फाइनल क्या बन गया, ये इस टाइप का बन गया। समझ में आया सर कुछ? यस अब आप मुझे बताएंगे, फटाफट सर बताएंगे, मैंने इस टाइप को ये माजू बुक बनाया इस टाइप का, ये क्या है, ग्रीन, ये ग्रीन है। अब मैं यहाँ से रेड ले रहा हूँ, ये रेड ले रहा हूँ, अब उसको प्लस करना है। अब अगला कैंडल क्या बनेगा सर? ग्रीन बनेगा, ये है रेड। किसका पावर पहले है, किसका किसका बनेगा, ग्रीन वाले बनेगा कि रेड वाला बनेगा, ये बताइए मुझे पहले, मुझे पहले आप। ग्रीन का ही बनेगा। वाओ विजय, अब आप समझ रहे हैं पूरा। अब आप पूरा देखिए, आप कॉन्फिडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा बनेगा कैंडल को मर्ज करने के बाद? अभी देखिए ग्रीन का, ग्रीन कलर ग्रीन का, का तो कौन सा बनेगा, इस था। टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, या इस टाइप का बनेगा, या इस टाइप का बनेगा, कौन सा बनेगा बताइए फटाफट आप। ऊपर का सर, ऊपर का फर्स्ट वाला। सही से, वाओ ये वाला बोल रहा है आपने ना, ये वाला ना, सही है। अब देखो फर्स्ट वन, सर, फर्स्ट वन। हाँ फर्स्ट वन। अब इसको इसमें इसके ऊपर रख देते हैं हम लोग, इसको उठा के। देखो यहाँ पे उठा के रख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने उठा के उसको रख दिया यहाँ पे सिंपल। ये खा गया पूरा बॉडी, खा गया यहाँ पे, ये विक्स रह गया थोड़ा सा, तो यहाँ तो ये हो गया। तो अब यह क्या सिंपल इस टाइप का बनेगा, यहाँ से यहाँ कट करके रखूंगा इसको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ बन जाएगा। अब डॉट क्लियर है सर? ये क्लियर है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता सर, 15 मिनट टाइम पे चलता। सारा 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 5 मिनट, 6 मिनट, सारा चलता। और बताओ ये क्लियर हो गया सर ये आपको? टाइम फ्रेम। हाँ हाँ सारे सर, सारे टाइम फ्रेम। अभी आप सीखो सर, अभी 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 मैंने बताया नहीं, अभी तो बस आपको कैंडिंग मर्जिंग बताया है। चलो अभी मैं कैंडल आपको, मर्ज सर। हाँ अब देखो सर, अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब कैंडल तो मैंने मर्ज कर लिया, आपको मैंने क्या बताया, एक बायर था एक सेलर था। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक ही कैंडल पे बायर और सेलर कर लूंगा। मार्केट का कितने डायरेक्शन? टू ट्रेंड, ये हो गया अप ट्रेंड, ठीक है। अब एक ही कैंडल पे हम बायर और सेलर दोनों देखेंगे, ठीक है। चलो मार्केट का दो ट्रेंड, अप ट्रेंड होगा और ये क्या होगा, डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड, इसको क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। और एक क्या होता है साइडवेज, इस टाइप का मार्केट इसमें डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमते रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइडवेज। तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। हाँ बस साइडवेज, बस ये समझ में आ गया। देखो सर कभी भी इसमें ना, अब हम लोग क्या करेंगे, एक कैंडल पे बायर और सेलर को रखेंगे। देखो सर सपोज मार्केट अप ट्रेंड जाएगा इस टाइप का, तो ये बॉडी है ना, इसको बोलेंगे क्या, बायर, ये बायर हो गया, और ये कौन सा हो गया, सेलर, ठीक है। समझो अगर मार्केट उल्टा आएगा, उल्टा ये तो क्या हो गया, अप ट्रेंड का हो गया। अगर मार्केट नीचे आएगा तो उसके लिए मैं बता दूं, चलो अब मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, ऐसे बनता है, देखना ऐसे कैंडल बनेगा, ये ग्रीन ग्रीन बनता चला जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे ग्रीन, ठीक है। तो ये कौन हो गया, सेलर, और ये क्या हो गया, बायर। अगर मार्केट नीचे होगा तो इसमें क्या होगा, उल्टा बन जाएगा ये, इसमें बताओ ये कौन सा होगा, सेलर, ये कौन सा होगा, सेलर, और ये कौन सा होगा, अच्छे नीचे विक्स तो बायर। नीचे रहना, बायर को
सेलर को ऊपर रहना। हाँ, अपोजिट हो जाता है मार्केट में। ये क्या है? अप ट्रेंड का, अप ट्रेंड, और ये क्या हो गया? अच्छा डाउन ट्रेंड। अच्छा ठीक है सर, अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक ही कैंडल पे हम लोग देखेंगे बायर और सेलर। मार्केट का ट्रेंड अच्छा पॉजिटिव है, अब इस टाइप का मैं बनाऊंगा। अब आपको क्या करना, ये है बॉडी, ठीक है, बॉडी है, ठीक है सर, बॉडी है। हाँ मार्केट का डायरेक्शन अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब अपर के साइड में। अब यहाँ पे हम लोग बॉडी को क्या करेंगे, बॉडी है ना, ये बॉडी बोलते हैं उसको, बॉडी को हम लोग भूल जाएंगे, हाँ बॉडी को हम लोग बॉडी को भूल जाएंगे, बॉडी को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, ठीक है, बॉडी को। अब मुझे बताओ, ये अगर बायर है, ये बायर है, इसको हम लोग बोलेंगे बायर, ठीक है सर, बॉडी को भूल जाना। ये वीक्स कौन सा हो जाएगा? सेलर। ठीक है, ये मार्केट का ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड है। ठीक है, अगर मार्केट का ट्रेंड नीचे होगा तो बताओ, मार्केट इसमें भी एक बायर सेलर बनेगा इस टाइप का। अब यहाँ पे ये कौन सा है, ये कौन सा बताओ, ये बायर होगा और ये कौन होगा? सेलर। ये वीक्स को हम लोग छोड़ देते हैं, ये वीक्स को कुछ नहीं होता, वीक्स को इग्नोर करो, ठीक है सर, ये वो सॉरी, वीक्स को, बॉडी को इग्नोर करो, बॉडी को इग्नोर। ये समझ में आया कुछ? सेलर बॉडी को भी हम लोग भूल जाएंगे इस, बायर हाँ, वीक्स को, खाली वीक्स पे अब काम करेंगे, पूरा वीक्स पे काम करेंगे। ठीक है, अब चलो वीक्स पे काम करते हैं। आप मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ मार्केट ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ऊपर अपर साइड जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा सर, ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा तो इस टाइप का कैंडल बनेगा, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का, इस टाइप का कैंडल बनेगा, इस टाइप का, अप ट्रेंड का है ना, अप ट्रेंड का सिंबल आता है ऐसा। हाँ, अब ट्रेंड का आएगा हाँ इस टाइप का। तो ये कौन है बताइए, ये कौन है? सेलर होगा ना, सेलर, ये कौन है? सेलर, सेलर भी होगा, सेलर, और ये सेलर बीच भी में, होगा, बायर भी ये बायर होगा। होगा, बायर होगा, ये कौन होगा? बायर होगा। ये कौन सा? ये होगा बायर ओके होगा। ये समझ में आ गया आपको? अब मार्केट में ट्रेंड निगेटिव है, इसमें क्या होगा बताओ, इसमें कौन है? ये कौन है सर, ये बताओ, ये बायर होगा कि सेलर होगा? ऊपर का बायर, नीचे का सेलर। नहीं, ये तो ऊपर का, ये तो ऊपर का सेलर हो गया ना, ये सेल कर रहा है इधर की तरफ, तो इसमें क्या होगा? इसमें, हाँ इसमें ऊपर का सेलर है, हाँ सिंबल, एक्चुअल सिंबल ऊपर का सेलर है, हाँ, ये अप ट्रेंड बायर का है, नीचे का है हाँ, आप ट्रेंड। तो यहाँ पे क्या होगा? बायर होगा ऊपर का, नीचे वाला क्या हो जाएगा? सेलर होगा ना, ट्रेंड नीचे चल रहा है ना, ये हाँ इसका अपोजिट होगा, ये हाँ अप डाउन ट्रेंड होगा, चल रहा, ये अपोजिट होगा, यहाँ पे देखो अपोजिट चलेगा, तभी तो होगा। चलो, आपको मैं बोलूं कि अगर मान लो सर, इस टाइप का मैंने कैंडल बनाया, इसमें बताओ विक्स नीचे किसका बड़ा है? इसमें ट्रेंड चल रहा है पॉजिटिव, इसमें बताओ विक्स किसका बड़ा है, नीचे वाले के ऊपर वाले का? ऊपर नीचे 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 वाले, तो नीचे वाले का जो विक्स वाला का, का। नीचे वाले का जो विक्स है ना, तो अगला कैंडल ये इसी विक्स वाले का बनेगा, चाहे ये बायर हो या चाहे सेलर हो, बायर हो चाहे सेलर हो, इसी का क्या अगला कैंडल बनेगा? और समझ ग्रीन में आया रहे कुछ? दो रहे हाँ, अगर ये ग्रीन रहेगा तो ग्रीन दो। छोटा बनेगा, अगर अगर मान लो ये रेड बनेगा तो अगला कैंडल रेड ही बनेगा। अब चलो हम लोग चलते हैं चार्ट पे, आपको मैं थोड़ा सा अच्छा हाँ ओवरऑल भेज दिया, अब देखो चार्ट पे मैं चलता हूँ, चार्ट पे भी क्लियर होगा। कैंडल को थोड़ा मर्ज करना सीखा अपने, थोड़ा बहुत भी? हाँ नहीं साहब थोड़ा थोड़ा हाउ बहुत टू मर्ज सीखा? द कैंडल। हाँ, अभी ये आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप हाँ उसको थोड़ा समझना अच्छे से, ठीक है सर, अच्छा रिकॉर्डिंग दे दूंगा ना, तो पूरा क्लियर से सर, समझोगे उसको, वो आपका हो जाएगा। आपका रिकॉर्डिंग क्लासेस रहता ना सर बेसिक्स का? अभी मैं सारा वीडियो मैं आपको डेमो दे रहा था अभी, कि भाई कैसे पढ़ाता हूँ मैं, देख लूंगा थोड़ा सा, आपको क्लियर पता चल जाएगी इसमें। चलो सर, देखो अब यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया है, ठीक है, थोड़ा सा आपको इस पे फोकस कीजिए, ये 30 मिनट्स का है, ये 40 मिनट्स का बनाता हूँ। ये कौन सा साइड पे लेके गए साहब अभी? ये निफ्टी का साइट ला रहा हूँ, अभी थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बता रहा हूँ, हो गया। गो चार्ट इन का ये वेबसाइट है, ठीक है, इस पे आपको मैं चार्ट अभी दिखाऊंगा लीड करने के लिए, अच्छा ये चार्टिंग देखो। यूज कर रहे हैं आप? हाँ,
ये पूरा नेट काम नहीं कर रहा इसमें, पता नहीं क्यों। चलो कोई सा भी लेके देखते हैं एक बार। कुछ है ट्रेडिंग व्यू का, कुछ है आप अकाउंट है आपका ना? हाँ हाँ अभी सब का पूरा इस पे ना वो दिखाना है मेरे को, आपको चार्ट जो कैसे फॉर्मेशन होता है ना वो मुझे दिखाना है आपको इसमें। चलो अब दिखाता हूँ सर आपको, ये वर्क नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों। गो चार्ट इन चार्ट, मिनट साइन इन करने देता हूँ थोड़ा सा इसको, उसके बाद काम ओ करेंगे। साइन करना सर। हाँ हाँ साइन ऑफ हो गया है सर ये। और एक यूएस बैंक क्लोज हो गया सर कल। चलो एक बार थोड़ा सा मैं ट्रेडिंग व्यू पे लेकर आपको आता हूँ, तो ठीक है निफ्टी पे। हाँ अभी इसका ना मैं लाइव में दिखाऊंगा वो कैसे फॉर्मेशन होता है, अभी थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, बस आपने थोड़ा सा डेमो दिया, अभी आपको उतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा और भी टाइम लगेगा इसमें। अभी आपको मैं चेक कैंडल समझा रहा हूँ, मैंने क्या बताया था अभी आपको, जिसका विक्स बड़ा होगा उसी का हम लोग क्या होगा नेक्स्ट कैंडल बनेगा, यही बताया ना आपने तो आपको अभी आपको सर। तो चलो अब यहाँ पे आ गए हम लोग को, थोड़ा सा टाइम फ्रेम को कम कर लेते हैं, पहले सारा इंडिकेटर को मैं रिमूव कर देता हूँ रिमूव। अब यहाँ से मैं चलता हूँ 1 मिनट के लेकर चलता हूँ, ठीक है। और इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप मुझे बताना सारा कुछ कि अभी पांच जो, मिनट 5 मिनट लगा रहा सर, 5 मिनट चलो 5 मिनट भी करें, कोई सारा जगह वैलिड ऐसा। आप मुझे बताओ सर, अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ से बताओ, यहाँ से ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा। यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, हाँ डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ से। आप मुझे, आपको मैंने क्या बताया, ये कैंडल को बताओ, इस कैंडल में बायर कौन है सेलर कौन है। बायर वाले ऊपर रहते, सेलर वाले नीचे रहते। हाँ नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ अभी आपको, ट्रेंड डाउन चल रहा है, डाउन ट्रेंड में मैंने क्या बताया, ऊपर की तरफ जो कौन होगा, ऊपर की तरफ कौन होगा डाउन ट्रेंड सेलर, नीचे की तरफ बायर, ये विक्स को डाउन बताओ, हाँ हाँ विक्स। ऊपर डाउन ट्रेंड में ऊपर का बायर नीचे का सेलर। नहीं, उल्टा बोल दिया आपने, आप बताओ, मैं जब मार्केट को आप सेल करोगे, मार्केट धक्का दोगे तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा ना, तो नीचे होगा तो कौन, हाँ ऊपर की तरफ कौन होगा सेलर होगा ना, सेल करेगा उधर से, नीचे की तरफ बायर होगा जो हाँ मार्केट ऊपर ऊपर, हो। हाँ ऊपर से सेल करेगा। हाँ हाँ तो अभी ये जो विक्स है ये किसका विक्स है ये बताओ, ये वाला ये दिख रहा है आपको, ये विक्स किसका है, ये सेलर का है कि बायर का है बताओ, ये वाला स्विक्स। सेलर का ही चाहिए, हाँ और ये छोटा वाला विक्स किसका है, बायर का है। वाह सही है, आप सही बोला आपने। चलो अब इस दोनों में से कौन बड़ा विक्स है बताओ, ये दोनों में से बड़ा विक्स किसका है, बायर की सेलर इसे का, सेलर का ही चाहिए, सेलर का ही चाहिए, तो अगला कैंडल क्या बना, सेलर बना, देखो यहाँ पे, सैलरी बनता तो अगला कैंडल सेलर बना कि नहीं बना, यहाँ देखो सर बन गया। बन गया। चलो अब इसमें से बताओ, इसमें से किसका कैंडल बड़ा है, इसमें से बताओ, इसमें से विक्स किसका बड़ा है, इसका बड़ा है बायर का। बायर का। अगला कैंडल क्या बना है, अगला कैंडल बायर बना है कि सेलर बना है, कैंडल अगला मीस कैंडल। अगर कैंडल में सैलरी बना उसके बाद बायर होना। हाँ चलो देखो अब यहाँ समझता हूँ मैं कैसे, देखो इस कैंडल का यहाँ था, लेकिन इस कैंडल के कंपेयर में ये कैंडल थोड़ा छोटा बना है कि नहीं बना, ये बताओ मुझे, ये कैंडल बना बना छोटा छोटा बन गया। छोटा छोटा बन गया, इसलिए बना है पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बायर एक्टिवेट है, इसमें बायर एक्टिवेट हो तो गया, भैया यहाँ पे एक्टिव बायर एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पे, और बायर एक्टिवेट हो गया इसलिए क्या कि इस कैंडल को नीचे नहीं जाने दे, देखो कितना नीचे दिया, ऊपर लेके चला गया इसको थोड़ा सा, तो कैंडल देखो यहाँ पे क्या इनडिसीजन कैंडल आ गया, यहाँ पे देखो इनडिसीजन आ गया ना कैंडल में। अब मुझे बताओ हाँ इस कैंडल में मुझे बताओ कौन ज्यादा पावरफुल है, भैया पावरफुल है अगला कैंडल क्या बना, बायर का बना, देखो यहाँ पे भैया। बना ना। अब इस विक्स में, इस दोनों में मुझे बताओ किसका ऊपर का विक्स बड़ा है, बायर है कि सेलर है, वर्डी को आपको भूल जाना, इसमें बताओ, हाँ मिक्स बड़ा है, फिर सेलर का ही चाहे सर।
इसमें सर, इसमें 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 ग्रीन वाले में नीचे का बैयत का बना। बायर के बारे में, तो फिर भी देखो इस कैंडल से ना कहीं ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, देखो यहाँ हाँ पे। हाँ इट्स क्लोजिंग अब देखो ये कैंडल यहाँ पे था, इसको खींच के यहाँ तक ले गया, देखो कितना ऊपर ले गया। तो कहीं न, मैंने कहा हाँ ये लेकिन कलर से आपको कोई मैटर नहीं रखना है, कलर से कोई मैटर नहीं। बताओ इस ग्रीन वाले कैंडल से ये कैंडल ऊपर है कि नहीं है, ये बताओ, ये वाला कैंडल, ये रेड वाला हाँ ऊपर ही से हाँ ऊपर है ना। तो कहीं ना कहीं बायर पावरफुल था, इसको ऊपर क्लोजिंग दिया। देखो अगर क्लोज पावरफुल नहीं होता ना, तो इसके नीचे देता क्लोजिंग, इस कैंडल के नीचे देता ग्रीन वाले से, लेकिन इसको ऊपर लेके चला गया, यहाँ तक लेके चला गया। कुछ समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? और हाँ सर 200 पॉइंट अंतर है फिर। हाँ देखो कितना यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे। अगर ये हाँ तो दिख जाता ना, 25 पॉइंट हाँ हाँ अब ये यहाँ पे आ गया, अब इतना पॉइंट ऊपर लेके चला गया। अब बताओ इसमें और इसमें, देखो इसमें बायर है कि सेलर है, विक्स है इसका कहीं भी बायर का? सर पूरे भी सेलर्स का है बायर्स तो अगला कैंडल, का विकसी नहीं है। अगला कैंडल क्या बना है? देखो सेलर का बन गया। सीजर का बन गया सीजर का बन गया सीजर का भी बनता रहता। हाँ तो सेलर का बन गया यहाँ पे। अब देखो नहीं, वो नहीं समझ हाँ रहा आपको, ये वीक्स के अनुसार अगला कैंडल क्या बना, बायर के सेलर का बना चाहिए, सेलर का बन गया कि नहीं बन गया, ये मुझे बताइए आप। सिलर का बन गया सर देखो इस कैंडल से नीचे क्लोजिंग दिया है कि नहीं दिया, देखो यहाँ से इसको कैंडल से नीचे क्लोजिंग दिया है, देखो ये वीक्स बड़ा था, इस बन गया। अब मुझे बताओ इस दोनों में कौन बड़ा है? ट्रेंड निगेटिव है, मैंने बताया कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, फिर भी देखो यहाँ बायर और सेलर में फाइट हो रहा है, तो वीक्स के अनुसार मार्केट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैंडल। अब इसमें मुझे बताओ इस कैंडल में कौन ज्यादा पावरफुल, बायर की सेलर? पावरफुल सेलर का पावर है सर इसमें 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 इस कैंडल में, इसमें वीक्स को देखो, ये बॉडी छोड़ दो आप। इसमें 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 हाँ विक्स को देख के बायर का पावर है। तो देखो इस कैंडल का बाय क्लोजिंग यहाँ पे था, और ये थोड़ा ऊपर गया कि नहीं गया, देखो इस कैंडल से ऊपर दिया कहाँ, इस कैंडल को यहाँ हाफ पे जाकर क्लोजिंग दिया, देखो हाँ मतलब कहीं ना कहीं इस कैंडल थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दिया हल्का फल्का, लेकिन ट्रेंड निगेटिव था, इसलिए क्या वो मार्केट गिर रहा था, पता है ना आपको। हाँ अब मुझे बताइए इसमें, बताइए ये कैंडल कौन सा है, ये इसमें बताइए, फिर इसमें बताइए, आइए इसमें देखिए। फिर अगला क्या हुआ, ये बायर एक्टिवेट हुआ यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये तो आपको थोड़ा पता, सर इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दिया, ये कैंडल देखिए यहाँ पे, हाँ पर समझ नीचे रहे हैं? बायर एक्टिवेट हो रहे हैं मगर हाँ मार्केट सेलर ज्यादा है ना सर सेलर ज्यादा है बोलते हैं नीचे ट्रेंड गिर नेगेटिव जा है, रहा। ट्रेंड नेगेटिव है सर, ट्रेंड नेगेटिव है, मैंने क्या कहा ट्रेंड नेगेटिव है। फिर भी हमें अगर मान लो एक कैंडल पे अगर ट्रेडिंग करेंगे, ये 5 मिनट का कैंडल पता है ना आपको, ये 5 मिनट में बनाया है कैंडल, आपने टाइम फ्रेम क्या लिया है 5 मिनट, एक कैंडल क्या बनेगा फाइव हाँ मिनट का ही है, एक कैंडल हाँ 5 मिनट में बना हुआ है। और मैंने क्या कहा कि जिधर विक्स बड़ा होगा उसका कैंडल अगला बनेगा, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताइए मुझे, कलर का मैटर नहीं रखता है, उसका पावरफुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताइए। अभी आपको मैंने बताया यहाँ बताओ सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो आपने बोला बायर, ये बायर वाला कैंडल बना कि नहीं बना, लेकिन यहाँ तो ट्रेंड नेगेटिव भैया है ना, तो इसीलिए आपको क्या होगा थोड़ा सा मार्केट को नीचे की तरफ ही जाएगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट साइडवेज हुआ, चलो यहाँ बताओ, अब यहाँ बताओ मुझे आप, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है, इसमें बताओ कौन है, बायर है कि सेलर है इस कैंडल में, इस कैंडल बताओ, ये ग्रीन वाले में, ऐसे हाँ हाँ इस कैंडल में कौन है, बायर है कि सेलर है ये कैंडल? ये कैंडल में बायर बड़ा है। तो इस कैंडल को ऊपर क्लोजिंग दिया, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल ऊपर दिया क्लोजिंग, 1 मिनट क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल को दिया क्लोजिंग हाँ हाँ फिर इसमें फिर नेक्स्ट कैंडल में देखिए ग्रीन वाले में कौन पावरफुल है, बायर के सेलर? बायरी छे पावरफुल बहुत बायरी छे हाँ बायर ही है ना। तो अगला कैंडल क्या बना, हाँ बायर वाला बना। अब इस कैंडल देखिए बायर है कि सेलर है, दोनों में से कौन इक्वल है देखिए, तो विक्स को बताइए, बॉडी को छोड़ दीजिए, विक्स को देख के बताइए, दोनों का हमें लग रहा है इक्वल बन रहा होगा, इक्वल है सर सेलर का आ रहा आया सेलर के ऊपर वाला कारण थोड़ा सा। तो अगला ये दिए वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, देखो ये वाला मैंने लाइनिंग हाँ दिया है, ये वाला कैंडल सेम है सेम है, लेकिन बायर का और सेलर थोड़ा सा देखो ना, थोड़ा ऊपर मेरे साइड को, मेरे को जहां तक लग रहा है थोड़ा ऊपर वाला विक्स थोड़ा हल्का बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा देखो एक बार गौर से, हल्का थोड़ा लग रहा होगा, थोड़ा बड़ा है सर थोड़ा बड़ा है। तो ये क्या हुआ, सेलर एक्टिवेट हो गया और ये कैंडल रेड बना दिया। फिर इसमें देखो, फिर देखो ये कैंडल इस कैंडल से क्लोजिंग नीचे दिया है, देखो रेड वाला, फिर इस रेड रेड में पावरफुल कौन है, ऊपर है कि नीचे है बताओ, रेड वाला कैंडल रेड वाला कैंडल में ऊपर वाला में कि इसके नीचे अंदर वाला? ही जाए ना नीचे आया नीचे हाँ तो इसका आया विक्स किसका बड़ा है, नीचे वाले का ऊपर वाले का? बायर का बड़ा है नहीं, ये वाला सर, ये वाला देखो ना, ये वाला कैंडल वो सही से देखो आप, ये से वो सही से, इसमें रेड वाले भी देखो,
मेरे को जहां तक लग रहा निकाल है ना, दो सर। इसमें थोड़ा सा ना मेरे को ऊपर वाले को थोड़ा बड़ा लग रहा है। देखो मैं थोड़ा जूम करता हाँ हूँ। सेलर का, सेलर का बड़ा है सर। हाँ तो सेलर का बड़ा है, तो देखो ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया ग्रीन वाला, हाँ देखो उसके बाद हाँ नीचे का दिया दिया। हाँ अब मुझे बताओ इस ग्रीन वाले में कौन बड़ा है। ये ग्रीन वाले माउस रख रहा हूँ कौन मैं, सा कौन सा? ये वाला ग्रीन, ये हाँ वाला हाँ ठीक है। कौन सा बताओ ओ ग्रीन वाला। बताओ। तो ओ सेलर का जा रहा है सर। अगला कैंडल क्या बना है, सेलर का आ गया। आ गया ना। अब मुझे बताइए ये रेड हाँ वाले कैंडल में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। रेड वाला पावर का बायर्स पावरफुल है साहब। ये रेड में बताइए कौन सा बड़ा है, बताइए रेड वाले में। बायर बायर बायर्स अगला कैंडल किसका बना है, बाइक ग्रीन आया। बायर का, कुछ समझ में बायर का आया, आया। कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा भी आपको। कुछ आया सर। अभी ये मैं बताओ। नीचे वाला, नीचे हाँ बायर का, हाँ नीचे बायर का ऊपर सेलर का। हाँ कुछ समझ में आ रहा है आपको ये बताइए। अभी अभी आपको ना, अभी ये थोड़ा सा मेरा लॉगिन नहीं हो रहा। अभी लॉगिन होता ना तो अभी मैं आपको पूरा क्लियर समझा देता है इसको। ये थोड़ा मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है अभी इसमें ना, थोड़ा मैं इसको लॉगिन करूंगा तभी आपको बताऊंगा। अगला कैंडल क्या बनेगा ना वो आप पहले बता दोगे। आप मुझे बताओ इस कैंडल में कौन बड़ा है, इस कैंडल में कौन बड़ा है, बायर है कि सेलर है इस कैंडल में सर, ये वाला कैंडल। ये क्या? हाँ ये कैंडल का, बायर का, बायर का सर। तो अगला कैंडल क्या बनना चाहिए, ग्रीन बनना। बायर या आप समझ गया, आपने आपने समझ गया 100% समझ गया। अभी आपका मैं लाइव ऐसा क्लास सर। लूंगा। हाँ ये वाला जो है ना चार्ट पे, ये अगला कैंडल क्या बनेगा ना वो दिखाने वाला चार्ट है ये। अभी इसको मैं लॉगिन करूंगा आपको 10-15 मिनट में आपको मैं, या तो नाइट में अभी आता बताऊंगा अगला कैंडल क्या। अभी आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है कैंडल को मर्ज करने का। अभी आपको प्रैक्टिस करना है मर्ज करने कैंडल का, कैंडल जो है ना मर्ज करने वाला सबको बताना है, जैसे मैंने अभी बताया। अब बताओ, अब इस टाइप का कैंडल मैंने बना दिया यहाँ पे। ये इसका विक्स है, ये विक्स इसका है। आप मुझे बताओ किसका अगला कैंडल किसका बनेगा, अगला कैंडल सर किसका बनेगा, इसका बनेगा कि इसका बनेगा। कैंडल ऊपर का बनेगा सर। वाह सही है, चलो अब समझ में आ गया अगला कैंडल क्या बनेगा विक्स इसका। किसका? हाँ हाँ, विक्स तो किसका ज्यादा बड़ा है वही इसका ही कैंडल बनता। कुछ भी समझ में आया थोड़ा बहुत भी सर। बस ऐसा, इतना छोटे छोटे बेसिक